today three dimensional shape, light, effect, shape and their shadow. Okay, so let's see, let's begin. So I'm making a square here. I'm again using my 8B pencil. If you want, you can even use 6B. Center point. टू स्क्वायर्स बना के नाउ इनके एजेस को हम जॉइंट कर देंगे. यू नो, इस तरीके से आप अपना नेम भी लिख सकते हैं 3D में. आई विल टेल यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. ओके, अब अगर आप इसे समझें तो ये एक वॉल है, ये है और ये है. इसके अलावा ये जो बीच का पोर्शन है ये आपको कुछ भी विजिबल नहीं होगा बिकॉज दिस इज अ सॉलिड थिंग. अब अगर आप समझें तो ये शेप इसी तरीके से दिखेगा. अब मैं इस पार्ट को डार्क कर रही हूँ. इस तरीके से मैंने इसमें एक डार्क शेड दे दिया है. तो इस तरीके से मैंने यहाँ शेड दे दिया है. ये यहाँ पर डार्क पार्ट किया है एंड टू लाइट पार्ट्स रखे हैं. यहाँ कुछ लाइंस की हैं, इसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ इनको शेडिंग देंगे. तो इस तरीके से हम यहाँ शेडिंग दी है. ओके, नाउ दिस अपसाइड बॉल आई एम गिविंग इट अ डार्क शेड.
So this is the way I have given it a 3D look. I guess you can see that. Just observe it. So you can also make such sort of 3D, three-dimensional shapes and practice it in your drawing file.